नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे में आपका स्वागत है। किचन में बहुत से बर्तन ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही चमक छोड़ देते हैं और पुराने से लगने लगते हैं। ऐसे बर्तन को चमकाने और नया सा करने के लिए यहाँ आपके लिए हम कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने पुराने बर्तनों को कैसे चमकदार बनाएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। प्याज का रस और सिरका बराबर मात्रा में लेकर स्टील के बर्तन में पर रगड़ने से बर्तन चमकने लगते हैं। बर्तन पर जमे मैल को साफ करने के लिए पानी में थोड़ा सा सिरका व नींबू का रस डालकर उबालने से मैल छूट जाती है। पीतल के बर्तन साफ करने के लिए नींबू को आधा काट लें व इस पर नमक छिड़क कर बर्तन पर रगड़ने से वे चमकने लगते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन को चमकाने के लिए बर्तन धोने वाले पाउडर में थोड़ा सा नमक मिलाकर बर्तन को साफ करें। एल्यूमिनियम के जले हुए बर्तन को साफ करने के लिए उसमें एक प्याज डालकर अच्छी तरह उबाल लें, फिर बर्तन धोने के पाउडर से साफ करें। चिकनाई वाले बर्तन को साफ करने के लिए सिरका कपड़े में लेकर रगड़ें, फिर साबुन से अच्छी तरह धोने से चिकनाई दूर हो जाएगी। प्रेशर कुकर में लगे दाग धब्बों को साफ करने के लिए कुकर में पानी, एक चम्मच वॉशिंग पाउडर व आधा नींबू डालकर उबाल लें। बाद में बर्तन साफ करने की जाली से हल्का हल्का रगड़ कर साफ करें। कुकर एकदम नए जैसे चमकने लगेगा। चिकन की बदबू दूर कर देगा ये टिप्स जो हम आपको अब बताने वाले हैं। पूजा वाले पीतल के बर्तन को पाउडर या फिर पानी से धोने के बजाय राख से साफ करें। एक बर्तन में एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 लीटर पानी और 4-5 बड़े टुकड़े फॉइल पेपर को उबालें, फिर इसमें पुराने बर्तन को डाल दें। पाएंगे कि बर्तन में नई सी चमक आ गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास टिप्स जिसको अगर आप अपना लेंगे तो आपके बर्तन चमकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भी अपने घर के बर्तनों को इन सारे टिप्स को अपनाकर ज़रूर चमकाएंगे। अगर आपके बर्तन चमकने लगे या ना चमके या ऐसी कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देसी नुस्खे सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।